Good evening class. Today's class is on NML ware. Okay, how to take care of the NML wares. NML wares are nothing but in hospitals जो हम लोग daily use करते हैं for patients use. Okay, patient purpose के लिए हम लोग use करते हैं, जैसे कि वो kidney trays, fine, sputum cups, ठीक है, bed pans, urinals, kidney trays, sputum cups, feeding cups and the different types of trays. तो ये हो गया एनिमल. दीज कम्स अंडर द एनिमल. तो एनिमल क्या है, मींस हाउ वी यूज देम. ओके, आफ्टर यूजिंग देम कैसे हम लोग उनको डिस्कार्ड करेंगे, या तो फिर हाउ टू रीयूज इट. हाउ टू रीयूज मींस कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, अगर दोबारा यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, अगर डिसइंफेक्ट करना है तो हाउ टू डिसइंफेक्ट. तो दिस इज नथिंग बट द आर्टिकल्स कॉमनली यूज आर बेड पैंस, यूरिनल्स, किडनी ट्रेस, sputum cups, feeding cups, trays, etc. So the polish on the alerware is eroded by the heat drop or mercuric salts, acids, alkalis and the chemicals. तो जो हम लोग discard की बात कर रहे थे, या तो disinfectant की बात हो रही है, तो जो ये enamel wares होते हैं plastic, ठीक है, sometimes they are made of plastics, ठीक है, and very so कैसे इनको हम लोग reuse करेंगे. यूज करने के बाद patient के सपोज हो गया बेड पैन, ठीक है, आफ्टर यूजिंग अ पेशेंट्स बेड पैन हाउ टू क्लीन इट, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कार्ड कैसे करेंगे, तो डिसइंफेक्टेंट कैसे करेंगे, रीयूज कैसे करेंगे उसके पास से फॉर द अदर पेशेंट. सो नथिंग बट जब पेशेंट को हम लोग बेड पैन यूज करते हैं तो सी दैट द बेड पैन इज टोटली क्लीन बिफोर यूजिंग. ओके, जब आप पेशेंट को यूज करोगे तो उसको सी दैट इट इज वेरी मच क्लीन, एंड आफ्टर गिविंग दैट यूज करने के बाद उसको आप कोल्ड वाटर से वॉश करोगे, ठीक है, यू हैव टू वॉश विद द कोल्ड वाटर, सोप वाटर, आफ्टर दैट देन सी दैट द कॉर्नर्स, जो बेड पैन के कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ओके, दिस इज द शेप ऑफ एनी यूरिनल, सॉरी, दिस वन बेड पैन का शेप है, ऐसा होता है. तो हाउ व्हेन आफ्टर पुटिंग दिस वन एंड रीयूज कर इसको रीयूज करने के लिए, तो हाउ वी डिसइंफेक्ट देम. तो आफ्टर वॉशिंग आउट दिस समटाइम्स द वेस्ट पार्टिकल, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें साइड्स में स्टक हो जाता है. तो इससे क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, डस्ट, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है, वो निकल नहीं पाएंगे. एंड हाउ टू डिसइंफेक्ट भी उसके बाद में, फिर वो और फिर वो गंदा और स्मेल भी आता रहता है. तो नथिंग बट दे आर सब्जेक्ट टू चिपिंग और ड्रॉपिंग ऑन फ्लोर एंड हैंडलिंग केयरलेसली. अगर आप उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, अगर तो अगर केयरफुल से नहीं हैंडल करो तो वो चिप हो जाएगा. मीन्स खराशे उसमें बहुत सारी आ जाती हैं. इफ इट इज समटाइम्स इट इज स्टेनलेस स्टील का है, और अगर प्लास्टिक का है तो भी उसमें खरोंच, या तो फिर आप घिस घिस के उसको वॉश करोगे, साइड्स का भी वॉश करोगे सपोज, तो वो भी वो चिप्ड हो जाएगा. एंड स्क्रेपिंग विद द शार्प इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो रिजल्ट इन चिपिंग. चिपिंग मीन्स खराशे, लाइन्स एक्सेट्रा बहुत सारी है. तो दिस आर द डिफेक्ट्स फाउंड इन बेड पैन. तो हाउ Care of the bed pans. Before emptying the bed pan, inspect the contents if there are cotton sponges and sanitary pads. So specially bed pans हम लोग ladies को, specially females को use करते हैं. तो अगर कोई patient है उसमें, या suppose any day post op patient है, या तो delivery patient, LSCS patient है, when we are giving bed pans, तो उसमें क्या जो patient का जो already अगर कोई sponges या तो फिर any बैंडेजेस है, ओके, तो ब्लाउसेस है उसमें, तो जब हम लोग पेशेंट यूज करते हैं ये, तो सब कभी बाय मिस्टेक व्हेन पेशेंट पासेस यूरिन, तो ये जो स्पंजेस है वहाँ पे जब स्टक हो जाते हैं, ठीक है, और फैल जाते हैं. फिर उसके बाद फिर आगे जो डर्ट मटेरियल है वो साइड्स में उसको फंस जाता है. तो हाउ टू क्लीन इट, ठीक है, तो ये है इसमें क्वेश्चन की हाउ टू. सम सैनिटरी पैड्स ऑल्सो जाके स्टक हो जाएंगे. दे आर रिमूव बाई यूजिंग अ फोर्सेप्स केप दैट द पर्पस ओनली. तो उसको आप कैसे रिमूव करवाओगे, या तो करोगे, हाउ टू रिमूव बाई द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स. जो जो ऑर्गेनिक मेटल स्टक हो गया, या तो सैनिटरी पैड्स है, या तो गॉन्स पीस और एनी गंजी पैड्स, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स यू हैव टू रिमूव. देन एम्प्टी द बेड पैन इनटू लेवेटरी पैन केयर बीइंग टेकन टू अवॉइड सॉइलिंग साइड्स ऑफ द पैन. तो स्पेशली साइड्स में जो उसका ये साइड पार्ट होता है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं करना, ठीक है, दिस डज नॉट शो, ओके, ये ज्यादा हम लोग उसको देख नहीं पाते बिकॉज इट इज डिजाइन सच अ वे
कि कॉर्नर्स हम लोग उसको वी कैन नॉट सी ऑब्जर्व द निगल, और वो कॉर्नर्स में ही सारे ऑर्गेनिक मैटर और पैड्स वहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं. तो यू हैव टू रिमूव बाय द फोर्सेप्स, देन अवॉइड सीलिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द बेसिन, देन रिंस द बेड पैन विद कोल्ड वाटर अंडर फोर्स, वॉश विद सोप वाटर, वार्म वाटर यूजिंग ब्रश which may be used to remove the stains, rinse it well. Anything which is dirt या blood stains जो भी उसमें फंस गया या तो फिर अकल्ट हो गया तो उसको आप फर्स्ट क्लीन करोगे विथ सोप वाटर एंड विथ कोल्ड वाटर. देन यू हैव टू हॉट वाटर भी डालना ताकि वो स्टिंकिंग ना हो, ठीक है, स्मेल बैड स्मेल नहीं आ पाए. टू डिसइनफेक्ट द बेड पैन सोप देम इन द लाइजॉल 1:40 फॉर द 1 hour. लाइजॉल सॉल्यूशन 1:40 में Lysol disinfectant solution, you all know all these things, ठीक है, even betadine, so this comes under the disinfectants, जो हम लोग घर में अपने भी use करते हैं, Lysol है ये, फिर so many things are there, disinfectants, Dettol है, ये सब things, तो with the help of Lysol 1:40, you have to prepare the solution and wash the bedpan, corners of the bedpan, ठीक है, then you have to make it dry, ठीक है, wash करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए sunlight में रखना है, why sunlight? So that the smell or the stinking does not come from it. ये जो stink करता है या तो फिर गंदा smell आता है bed pan से when you use after use करने के बाद वो भी खत्म हो जाता है after putting in the sunlight. So you have to put them in the sunlight and dry it. Bed pans may be placed in direct sunlight few hours to deodorize and to disinfect. तो क्या है, मैंने बोला था कि bad smell जो आता है इसके बाद तो आप जब sunlight में रखेंगे तो उसका जो bad deodorized स्मेल वो बिल्कुल चला जाएगा एंड डिसइनफेक्ट हो जाएगा. देन कीप इट ड्राई आफ्टर नेक्स्ट यूज ऑफ बेड पैन रैप. अगर जो भी बेड पैन जहाँ पे जो चीज़ रखा है द आर्टिकल्स विच आर प्लेस इन द वार्ड, आप उसको वेक इट बैक वॉश करने के बाद और ड्राई करने के बाद भी फिर वहीं पे आप प्लेस करोगे. राइट, अगेन जो दूसरे पेशेंट के लिए यूज करना है तो वो भी डिसइनफेक्ट एंड स्टरलाइज होने चाहिए, ठीक है. So this is the care, how to take care of bedpan in a hospital, in a ward, you should know. Then again, care of the urinals. Okay, how to take care of the urinals? We have seen the shape of the urinals. ओके, समथिंग देयर अगर अंडर मार्किंग भी देयर, ठीक है, मार्किंग स्केल होता है जग का या यूरिनल्स का, स्पेशली दिस इज यूज्ड फॉर द मेल पेशेंट्स, मेल पीपल. फिर द यूरिनल शुड बी लेफ्ट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम विद द यूरिन बिकॉज़ ए डिपॉजिट विल फॉर्म ऑन द इनसाइड व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव. Cleaning and disinfection are done in the same way. तो जो urinal होता है after using patient को, specially जब हम लोग urine collect करते हैं patient का urinal में, तो जो waste particles अगर आप तुरंत wash नहीं करोगे, okay, आप use करने के बाद wash नहीं करना है, आप रख देना है वैसे ही, तो जो urine है उसमें collect हो जाएगा waste particles, जो organic matter उसमें collect होके वो चीज़ बहुत dangerous हो जाता है और infection type में create हो जाता है. तो it should not do like this. उसी time पे आपको then and there after using you have to rinse it with cold water. अगर आपको वॉश करना है, you have to wash it for the next use. ठीक है, same way. और for disinfection same है. जैसे कि आपने Lysol 1:40% में भी इसको same thing disinfection करना है. And you have to put in that dry air or sunlight. Okay, ये हो गया urinals. Care of the kidney tray. So how to take care of the kidney tray? You know all this is kidney tray. It is to cleaning of is nothing but when we use in the procedures to remove all the waste particles and keep waste particles of the patient. ठीक है, जब जो भी discard material है, wasting material से, anything water है, waste है, or swabs or dirty particles, bandages etc. Though that are thrown in these waste particles in this kidney tray. So kidney tray is nothing but plastic material होता है वो, enamel भी, enamel का भी made है, then again it is used of made up of steel, stainless steel से भी made होता है. तो there are different different kinds. It is also same treated in that way. Bed pans जैसे आप sterilization करोगे, same इसको भी इसी तरह handle करना है. You have to disinfect it, dry it and the soap water wash करना है. Then again you Lysol 1:40% से आपको ये disinfect करना, same process. Then again care of the
sputum cups. Sputum cups, you know, the sputum cups, there are also different shapes, smalls hai, thoda small size bhi hote hai, big size mein bhi, and aur kis tarah se sometimes they are disposable type bhi hote hain in big big hospitals. Okay, commercial hospitals mein bahut sare varieties of sputum cups aate hain. Sputum cups are they are enamels mein bhi made hote hain, enamel ka bhi wo hai usme, aur प्लास्टिक्स एंड स्टील स्टेनलेस स्टील भी हो. अगर लॉन्ग लास्टिंग का यूज करना है तो आपको उसको बहुत केयरफुली से यूज करना है, सो दैट इट मे प्रोलॉन्ग इज लाइफ स्पैन. ठीक है, तो उसका जो अगर बहुत अच्छे से आप यूज करोगे, केयरफुल से यूज करोगे वार्ड में, पेशेंट आप एडवाइस दोगे एंड दी अदर हेल्थ वर्कर्स कॉपेबल, तो ये चीज जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है, एनी थिंग एनी मटीरियल इन दी हॉस्पिटल विच आर यूज इन दी वार्ड बाय द पेशेंट फॉर द पेशेंट, तो आपको उसको हाउ टू यूज. देन non-infectious sputums may be emptied into the lavatory pan care given. तो जो sputums को हम लोग patient के sputum remove करने के लिए use करते हैं, any bedridden patients है, okay, post op patients to remove the waste particles and the swabs हो गया, तो इनको क्या करना है, remove करने के बाद, उनका collect करने के बाद जो sample है उसको आप पहले discard करोगे. ठीक है, but as soon as you discard it, wash with the water, cold water, soap it. ठीक है, एंड सेम विधि आपको डिसइंफेक्टेड करना है. उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद सपोज, और इसमें क्या चांसेस होता है, जब व्हेन पेशेंट स्पूटम उसमें स्पिट करता है तो जो स्पूटम पार्टिकल्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं. ठीक है, वो निकल गए, इट इज ठीक. अगर वो पेशेंट का टीबी पेशेंट है, सपोज टीबी पेशेंट है और आपने सैंपल कलेक्ट किया ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का, तो नाउ इट इज हाईली इन्फेक्शियस. आप भी उसको टच नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टच विद बोथ देयर हैंड. देन दी हेल्प, आपको हेल्थ वर्कर्स को भी एक्सप्लेन करना है कि दे हैव टू वेयर द प्रॉपर स्टराइल ग्लव्स पहन के ही उसको डिस्कार्ड करना है. तो ये हो गया. अगर सपोज वो जो स्पूटम है बिल्कुल स्टक हो जाता है, अगर वो ना होगा तो आपको पहले से ही उसमें आप डिसइंफेक्टेंट डाल दीजिए. ठीक है, यू हैव टू पुट डिसइंफेक्टेंट मीन्स जैसे कि डेटॉल सॉल्यूशन हो गया, पुट सम डेटॉल सॉल्यूशन और एनी बिटाडीन सॉल्यूशन इनसाइड द स्पूटम कप विद मिक्स विद वाटर और फिर पेशेंट को दीजिए. ठीक है, ताकि वो स्पूटम उसमें जब स्पिट भी करता है, ठीक है, सपोज अगर वो क्लीन इसके लिए है सैंपल के लिए, तो देन नो नीड. ऑफकोर्स सैंपल जो है हम लोग अलग कंटेनर से उसको कलेक्ट करेंगे, बट यू हैव टू पुट एनी डिसइंफेक्टेंट वाटर उसमें, कोई भी सोल्यूशन उसमें डालने के बाद ही आप पेशेंट को दीजिए कि ताकि वो स्टक ना हो पाए. ठीक है, उसमें स्टक नहीं होगा और वो पेशेंट के लिए भी सेफ रहेगा एंड जो हैंडलिंग कर रहा है उसके लिए भी सेफ रहेगा. दैट विल बी वेरी गुड फॉर दी हु इज क्लीनिंग. देन इन्फेक्शियस स्पूटम्स एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस क्लाइंट should be rendered harmless boiling in disinfection. तो आप उसको use करने के बाद जो sputum cup से उसको highly boiled boiling point पे उसको boil करोगे, फिर again you have to disinfect that with the disinfections and again you have to put them in a sunlight. Sunlight में आपको उसको expose करना है, okay? 2 to 3 hours. Cleaning and disinfection of sputum cup is done in for the bed pans before the sputum cups are given to the client and a small kind of antiseptic lotion. So, जब आप patient को देने से पहले sputum cup में आप antiseptic lotion prepared वाला उसमें डालना है, so that the infection form है वो बिल्कुल less. Maintain purpose of which prevent the sticking of the sites. और वो जो हमारा sputum होगा patient का वो बिल्कुल stick नहीं होगा और वो easily wash away हो जाए. Then care of the instruments. Coming to how to care of instruments. Okay, so understood what are the enamel ways. Enamels are bedpans, urinals, kidney trays, sputum cups, and then instruments. Coming to the instruments. How to take care of instruments. Instruments mein. Instruments mein sharp instruments. इंस्ट्रूमेंट में शार्प क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, नीडल्स हो गए, सिरिंजेस, दीज आर ऑल कम्स अंडर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स. आर मोस्टली कॉमनली फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स दे कम एजेस आर डल्ड बाय रफ यूज एक्सपोजिंग इनटू हाई टेंपरेचर मॉइस्चर. द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर स्टरलाइजर एक्सपोजिंग देम टू टेंपरेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस. 1 hour
ठीक है, जो भी पेशेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे, तो अगर उनको सैनिटाइज करना है या तो फिर डिसइंफेक्टेड करना है, तो हाउ टू यूज, यू हैव टू यूज 160 डिग्री सेल्सियस में उसको हॉट एयर देके उसको स्टरलाइजेशन करना है, हॉट एयर से स्टरलाइजेशन करना है, नॉट टू आर्टिकुलर, तो डायरेक्टली। और ये चीज जो हॉट एयर से हम लोग करते हैं, तो जो उनका स्टेनलेस स्टील और ये तो शार्पनेस होता है आर्टिकल का, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता एंड वो सेफ होता है। देन यू हैव टू, द इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल डिसइंफेक्टेंट शुड बी केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर इट इज यूज्ड। तो व्हाटएवर यू आर मींस, व्हेन जो भी आर्टिकल है आप हॉस्पिटल पे यूज कर रहे हो, वेदर इट इज अ प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, और एनीथिंग यू आर रबर आर्टिकल और डिस्पोजेबल, ठीक है, जो कोई भी थिंग डिस्पोजेबल, तो उसको हम When you use properly, आप disinfection उसको अच्छे से करोगे, तो उसकी जो life span है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी और बहुत दिन तक वो articles चलता है और हमारे इसमें use आता है। But that depends on how long you take care of it, कैसे आप care करते हो उसको, कैसे disinfection करते हो and कैसे उसको care करोगे patient के लिए, तो that depends on how who is handling the articles, जो भी responsible है articles के लिए hospital में, whether it is a sweeper or any ward sister और जो भी medical BMW जो भी है वहाँ पे, whoever is handling, you have to strictly maintain all these things, how to use the articles and care of the other instruments like operation theater which may be dangerously contaminated, the soil instruments may be opened with a gloved hand and drop into basin and the onto the syringe instrument thoroughly with the cold water. So jab hum use karte hai, after using we have to hold with the chitin forces especially the articles, aur hum gloves pehen ke usko use karna, so whenever you are handling the articles use with the gloved hand or chitin forces, use karne ke baad ko nikalne ke baad usko thoroughly, anything you have to put them in the water, cold water or hot water, or any you have to wash with the cold water and soap water, and remove the blood, other organic matter, clean the instruments with the sodium bicarbonate to make 2% solution and hot water. So jo instruments se hamare sharp hote hain, some blunt instruments, different kinds of instruments are there, so according to their use you have to disinfect them. Then how you do this, with sometimes blood stains are abstract in that article, so blood stains bhi hote hain, to usko kaise remove karoge, you have to wash them in clean color aur usko handle nahi karoge, you have to handle with a gloved hand and or other with the chitin force, you have to handle that articles and wash them in thoroughly with the hot water or cold water and soap water also, or 2% solution means wash karoge, soda bicarb solution, sodium bicarbonate solution mein aapko sterilization करना है। Coming to the instruments which are not clean should be treated separately. Abrasives and soaps tend to remove the protective film of the corrosion resistant metal put on by the manufacturer and their removal shortens the life of the instrument. So, जो instrument sharp होंगे, अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करोगे, use करोगे उसका properly, आप उसके use करोगे तो दो वो बहुत दिन तक चलेगा instrument, specially sharp instruments, जैसे कि sharp instruments मतलब knife, then again any scissors हो गया, तो इनका जो edges है, अगर when you do it properly, अब जो edges या तो फिर अगर आप जो चीज सनलाइट में डिसइंफेक्ट करना है, अगर आप उसको ऑटोक्लेव कर दोगे तो वो चीज डिस्ट्रॉय, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिनिश हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन जो है तुरंत खत्म हो जाएगा, इट विल फास्ट। देन अगेन हाउ प्रॉपरली, और जो चीज जिस केमिकल में आपको डिसइंफेक्टेंट करना है उसी केमिकल में यू हैव टू डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। Handling of the instrument, steam under pressure should be used by sterilizer instruments whenever possible. When the steam under pressure is not available, boiling water is best agent for sterilizing instruments. In older days, जो sterilization होता था वो through sunlight ही होता था, ठीक है? At that time, there were not any autoclave, कुछ नहीं होता था, especially हम लोग boiling ही करते थे, क्योंकि boiling point पे we used to sterilize the needles, syringes, जो glass syringes होती है उसमें भी हम लोग by the help of boiling point पे ही हम लोग उसको sterilization करते और reuse भी करते थे. So that was the old days, but now अगर in today's generation we have autoclave machine, ठीक है, sterilization machine, even we do hot air sterilization, so different
types of instruments are sterilized in the different areas, and even sometimes they are sterilized in the sunlight also. So, जो चीज़ जहाँ पे sterilization करना है आपको, you have to use that same instrument with the same time. Then again, care of glasses. How you take care of glasses? So what are the glassware? Glassware are, to buy glassware, it is important to select a hard glass that is resistant heat, mechanical shock, sterilized with the dry heat. Glassware are nothing but, we have so many types of glassware. जैसे कि to facilitate cleaning, glassware should be hard, smooth surface. Ground glass is very susceptible to erosion by anything which are used in the boards. Glass material जो भी होते हैं उसको तो आप फर्स्ट रनिंग वाटर से आप क्लीन वाटर से उसको क्लीन करने के बाद जो डर्ट मटेरियल है आप उसको क्लीन करोगे और विद सोप से आप उसको क्लीन करने के बाद देन यू हैव टू पुट द हॉट एयर स्टरलाइजेशन. ओके, हॉट एयर स्टरलाइजेशन कर दे विद द मेंटेन ऑफ हाउ मच द टेंपरेचर इज नीडेड यू हैव टू स्टरलाइज इन हॉट एयर. हॉट एयर से क्या होता है, जो डर्ट वाली ऑर्गेनिक मटीरियल है वो स्टरलाइज होता है और जो ग्लास है मटेरियल ग्लास का होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करता, दैट इज डज नॉट डिस्ट्रॉय एंड कोई ब्रेकेज भी नहीं है. बट सपोज यही ग्लासवेयर आप ऑटोक्लेव में डालोगे तो वो बिल्कुल रप्चर हो जाएगा और इट स्पॉइल द स्पैन ऑफ दिस मटेरियल. And essential in prolonging their usefulness, lest they dry on the glass and can be removed with difficulty. Glassware used for the parenteral therapy should be rinsed with freshly distilled water and it shows the glass is clean. If any grease is present, the film will be broken and droplets will form. Exposure of the crack in the glass when sterilizing glass containers, they are kept in water autoclave. They are kept in the upright position. Then air trapped in them prevents steaming penetration. So jo glass ware, suppose any we are disinfecting the glass, to jo glass hota hai agar jab hum sterilize karte hain usko upside down karna hai, kyunki to seedhi glass hai hum usko upside down rakhenge, so that the jo bhi hot air sterilization ho raha hai wo slowly enters inside outside har jagah se wo sterilization ho pae instrument, so that it is designed to hot air sterilization aapko is tarah se डिजाइन किया गया है सो दैट द होल पार्टिकल और द होल इंस्ट्रूमेंट गेट स्टरलाइज्ड प्रॉपरली. एंड जो आर्टिकल्स है जैसे कि एजेस ठीक है, सपोज यू स्टरलाइजिंग द ग्लास और कुछ शेप होते हैं ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट और एजेस में ऑर्गेनिक मटेरियल पेशेंट को यूज करने के बाद भी बहुत सारा सा उसमें डर्ट फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता. तो स्पेशली दोज आर ऑल थिंग्स फर्स्ट यू हैव टू क्लीन विद द स्वैब्स विद द वाटर एंड समटाइम लाइजोल से क्लीन करने के बाद ही आपको स्टरलाइजेशन स्पेशली हॉट एयर में आपको स्टरलाइज करना होगा. एंड व्हेन द ग्लास गुड्स आर सेंट फॉर बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग दे शुड बी एडुकेटेड पैडेड विद ब्रेकिंग रबिंग एंड द हार्ड सरफेस. सो बहुत ही केयरफुल से आपको हैंडलिंग करना है ये ग्लास वेयर से, बिकॉज इनको दे हैव द चांसेस टू ब्रेक. ओके, रबिंग या तो फिर शिपिंग और बहुत सारे उसमें सो मेनी टाइप्स ऑफ एब्रेशंस हो सकते हैं ठीक है, खरोच आ सकती है और वो घिस ना जाए, इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुल से हैंडलिंग करना है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट पिस्टन स्टिकिंग टू द बैरल्स. एंड व्हेन क्लीनिंग द स्टरलाइजिंग सिरिंजेस द बैरल्स आर पिस्टन्स ऑफ द सेम नंबर शुड बी केप्ट टू गेट अवॉइड द वॉशिंग टाइम लेटर इन मैचिंग द पार्ट्स. तो एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टरलाइजिंग सिरिंजर्स, डिस्पोजेबल सिरिंजर्स जो कि प्लंजर्स होते हैं, अगर सबको अगर आपको फिर से रीयूज करना है तो सेम वे जो आपको सेपरेट करना है सिरिंज से और प्लंजर से आपको सेपरेट करने के बाद ही सेपरेटली दोनों को सेपरेट करने के बाद सपोज दिस इज एन आर्टिकल ओके पेन इज इज देयर या कोई ढक्कन है ओके दिस इज अ कैप एंड द ग्लास, तो आपको इसी तरह बिल्कुल आपको नहीं रखना ठीक है. यू शुड नॉट कीप लाइक दिस इन द हॉट एयर. हॉट एयर में कैसे आप इसको ओपन करो, यू हैव टू ओपन द कैप ऑफ द ग्लास मीन्स जो पेंटिंग कैप को भी आपको ओपन करने के बाद ऐसे रखना है और अपसाइड डाउन अगेन ये जो अदर पार्ट होगा उसको भी आपको बिल्कुल ओपन करके रखना, सो दैट बोथ गेट स्टरलाइज प्रॉपरली इन साइड एंड आउट दोनों भी, और ये भी अंदर और बाहर दोनों साइड से बिल्कुल स्टरलाइजेशन हो जाए. मीन अंदर भी जाना चाहिए जो भी हॉट एयर है इसके अंदर पार्टिकल्स भी फंसा हुआ रहा तो वो भी बिल्कुल स्टरलाइज हो, ईच एंड एवरी पार्ट मीन जो भी आर्टिकल का और मटेरियल का शेप है उसके शेप के हिसाब से, अगर उसका कैप है तो आप कैप निकाल के भी उसको आप रखना है, अगर ग्लास ऐसा है तो उसको आप ऐसे करके रखोगे सो दैट होल एयर गोस इनसाइड एंड गेट स्टरलाइज. तो ये है प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग हाउ टू ग्लास वेयर.
After use, cold water is forced them into needle with the syringe, followed the detergent solution. Again, wash it with the warm water. So, they ho gaya how to take care of the glassware. Then coming to the stainless steel goods. Kaise? Stainless steel, kaise aap clean karo? When you are taking care of stainless steel, so stainless steels are utensils are suitable for all almost everywhere. Other purpose because they are easily clean, heat resistant and unbreakable. When storing these utensils are to be kept dry, less than water on them leaves a mark. So when you using stainless steel cups hai, before also we have discussed ki bowls ho gaya, patient ki bowls hai, very means jaise ki koi articles kharab na ho paaye, so you have to wash them properly, clean with and wash them, disinfectant karne ke baad aapko hot air mein bhi wo sterilization karna. To kaise aapko maintain karna hai, so that iski jo stainless steel hai wo bilkul destroy nahi hona chahiye. You have to do like that. Then care of crockeries and the cutleries. What are the crockeries and the cutlery? Sometimes when you are using the sterilization also, boiling technique bhi agar use karna hai to aapko boiling technique bhi use kar sakte ho. Agar aapko lag raha hai ki wo sterilization usse behtar hoga, glassware se hot air se behtar hoga, wo destroy nahi hoge, to aapko you have to use the boiling treatment. Boiling se bhi aapko karna hai ye cheez and save in a hot air also. केमिकल से भी, but see that chemicals are not very strong. ठीक है, केमिकल तो strong नहीं होना है and disinfectant है. Okay, so these are things. Boiling point में कितना आपको boiling point pressure कितना बनाना है, hot air में pressure कितना है और hot air में कितना temperature देना है आपको तो this sterilize करने के लिए. Then केमिकल्स कितना स्ट्रॉन्ग, कौन सा केमिकल डालना है आपको, हाउ मच टू बी गिवन. केमिकल इन्फेक्शन सेटिसफाइड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द केमिकल फ्रॉम द बोर ऑफ द नीडल कम्प्लीटली. सपोज हम लोग नीडल भी कोई डिसइंफेक्टेंट करना है तो उसमें से जो केमिकल स्टक हो जाएगा वो निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. सेम थिंग पेशेंट के अंदर भी जा सकते हैं, दैट इज वन प्रॉब्लम. तो आप केमिकल कितना यूज करना है, उसका क्वान्टिटी कितना, यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड प्लेस इट. डिसइंफेक्टेंट कितना, हाउ मच द सोल्यूशन, जैसे कि डेटॉल सोल्यूशन आपको यूज करना है कितना डालना है. And how much Lysol, if you are using, how much Lysol you have to put. Some quantity proper, a fixed quantity is there to sterilize the materials. So also you have to have the proper knowledge of sterilizing the things and you have to use the things. You know what? Coming to crockeries and cutleries. The crockeries and cutleries use.